एक बड़ा दलेर और काबिल एफआईए का ऑफिसर था, उसको हमजा शरीफ ने धमकियां दी कि तुम मुजाल कैसे मेरे खिलाफ केस करते हो, और उसके ऊपर इन्होंने इतना दबाव डाला कि वो बेचारा हार्ट अटैक से मर गया। ये वही हुआ था जब एमक्यूएम ने एमक्यूएम के खिलाफ नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन हुआ था। जब एमक्यूएम में नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन हुआ था तो एमक्यूएम ने जब नवाज शरीफ इक्तदार में आया तो एक एक पुलिस ऑफिसर जिसने ऑपरेशन किया था सबको चुन चुन के एमक्यूएम ने कत्ल किया। उसके बाद कराची की पुलिस खत्म हो गई। आज भी कराची में रेंजर्स हैं, क्योंकि कभी उसके बाद उनकी पुलिस उसके बाद खड़ी नहीं हुई। इसी तरह ये जब चोर ऊपर आ गए और इदारों पे बैठ गए हैं, सारे हमारे इदारे अब तबाह होंगे। और जब मुल्क के इदारे तबाह होते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। सारे जो बड़े बड़े डाकू थे उनके केस माफ होंगे, हमारे इंसाफ का निजाम खत्म होगा। हमारी जो भी हमारे इंसाफ में निजाम में लोगों का इत्माद है वो खत्म होगा। हमारे इंसाफ की निजाम की कब्र खोदी जाएगी। इस मुल्क में जो हजरत अली कहते थे कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। अच्छा।